हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आते हैं हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज पे, और आज हम बनाने वाले यूनिक एंड स्पेशल इक्वेरियम, जो आपने सोची भी नहीं होगी, वो भी अलग तरह का, ना कि नॉर्मल जैसे लोग बनाते हैं। मैंने कुछ दिमाग में अलग सोचा है, वो आप देख के ही बताना गाइस कैसा है। तो गाइस, मैं एक और बात बता दूं, आपने इतना सपोर्ट और प्यार दिखाया कि मेरे 1.7K हो गए और मेरे को चाहिए 2K। वो उस 2K के लिए हमें कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, 12 आवर्स स्ट्रीम। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 12 आवर्स स्ट्रीम करूं और सारे गेम्स के लिए जो भी आप खेलते हो आपके साथ, मैं 100% पूरा देने वाली हूँ। एंड एक और बात गाइस, अगर आपने करा दिया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, आप जानते हो ना। तो प्लीज़ 2K करवा दो जल्दी से जल्दी, और मैं ताकि स्ट्रीम कर पाऊँ 12 आवर्स वाली। एंड अब मैं आती हूँ मेन बात, जाओ हम आज करने वाले, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं प्रिस्मरीन्स एंड कंक्रीट। कंक्रीट मैंने टेस्ट रन के लिए किया था लोगों के स्ट्रीम पे, एंड वो आइडिया सक्सेसफुल रहा है। एंड ये आइडिया बहुत एपिक है, ये आपने सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ पे जो नदी बनी है इधर कोई बना सकता है एक कोई। तो हाँ, मैंने ही बनाने वाली हूँ, एंड ये आइडिया मेरा ही है और किसी का आइडिया नहीं हो सकता। तो मैं पहले काम करती हूँ, मैं सारे कॉन्क्रीट हटाती हूँ, एंड देन आपको यहाँ पर लगाते ही मिलूँगी प्रिस्मरीन्स ब्लू वाले, जो लाइट ब्लू कलर के होते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। एंड पहले उनको ही लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ ये जो लगा रही हूँ, देन आपको मिलती है 1 मिनट पे। ओके गाइस, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। नीचे का काम तो हो गया गाइस, सब देखो गाइस करना क्या है। यहाँ पे जो भी डर्ट है आसपास के प्रिस्मरीन्स के ऊपर, तो उनको हटाने हैं, एंड देन उसके ऊपर हमें ग्लासेस लगाने हैं, एंड देन उस ग्लास के आसपास हमें लगाना है डार्क प्रिस्मरीन्स, और वो उनके ऊपर ही लगाने जो ग्लास है। आई थिंक मेरे को बाद में ये ग्लास रिमूव करने पड़ेंगे, यानी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। अभी देखती हूँ, अभी मैं चारों तरफ पूरे अंदर फिल करने ऊपर तक ग्लास, तो फटाफट इसको फिल करते हैं एंड देन देखते हैं क्या होने वाला है।
लेके जाना है। Many months later. आप सबने देख ही लिया होगा कि ये पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ इस तरह से लुक आ रहा है अंडर वाटर, और बहुत प्रिटी लुक आ रहा है। अभी ये तो 30% ही कंप्लीट हुआ है। अब इसका डेकोरेशन करना है थोड़ा सा, एंड देन हमें इसको आगे तक लेके भी जाने का। इस तो फटाफट से डेकोरेशन करती हूँ एंड देन आपको मिलती है। क्योंकि फिर से अपने आप ऑटोमेटिक स्पॉन हो सकती हैं। इसको यहाँ से हटाती हूँ एंड एक सेकेंड दीजिए, मैं इसको पूरा डेकोरेट करके आगे कंप्लीट करके मिलती हूँ। One eternity later. So guys, एक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ स्टोन ब्लॉक के कुछ ब्लॉक बनाए, नाम फिर से भूल जा रही हूँ। एंड यहाँ इनको यूज़ तो किया परंतु इनके वॉल्स का कुछ डाउट लग रहा है, तो मैं डर्ट को हटा के स्टोन के ब्लॉक्स कर दे रही हूँ। ठीक है, यानी स्टोन ब्रिक्स। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने डर्ट्स हटा दिए। अब यहाँ पे हमें स्टोन के ब्लॉक्स को 5 ब्लॉकों पर लेके जाना ऐसे। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। एंड हमें क्या करना है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के जाना है इसको। ये तो कंप्लीट हो जाएगा ना गाइस, तो मैं क्या सोच रही हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद चौर में अच्छे से दिखाने यहाँ पे कांकड़ा इसको करके मिलती हूँ। बस थोड़ा सा ही रह गया यहाँ से ये लगाने स्टोन ब्रिक्स, एंड फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अभी तो इसके लेफ्ट साइड आगे का वो भी बाकी है, जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे हो जाएगा। तो गाइस मैंने दोनों साइड्स की वॉल्स कंप्लीट कर दिए, एंड वो आपको बाद में दिखाने वाली तो बता ही दिया है। एंड मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पर टिकॉट भी कर लिया था क्लीन अप पूरा, एंड इसको यहाँ से नीचे फटाफट स्टोन्स के ब्रिक्स नहीं यहाँ पे हम लगाएंगे, प्रिस्मरीन्स के ब्रिक्स यहाँ नीचे। फटाफट इसे कंप्लीट करती हूँ एंड देन मिलते हैं फिर से।
50% गाइस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें बस कुछ क्लास लगाने, फिर हमें अपने एक्स लॉर्ड्स को भी एक जगह रखना पड़ेगा अलग से स्पेशली, क्योंकि अगर उसने मेरी सारी फिशेस देख ली तो सारी की सारी ट्रॉपिकल एंड दोनों फिश की जान जा सकती है। और मैं इतना दूर मेहनत करने नहीं जाऊँगी उनको स्पेशली लाने के लिए, तो मैं सोचा उनके लिए एक अलग से कॉर्नर बना देती हूँ, वो एक ही जगह पर रहेंगी, बाकी फिश के लिए बहुत बड़ी जगह होगी तो इधर तो ठीक नहीं रहेगा, तो मैं पीछे से इसको बना लेती हूँ। ठीक है गाइस, गाइस इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो इस पर 10 लाइक्स तो कंप्लीट करा सकते हो ना, तो गाइस प्लीज़ 10 लाइक्स तो इसमें कंप्लीट करा दो और इस पर 78K पहुँचा दो। गाइस मैं बस यही चाहती इस प्रोजेक्ट में इतना मेहनत कर रही हूँ, यूनिक भी आइडिया है और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो प्लीज़ 10 लाइक्स तो कंप्लीट करा दो। एंड अब चलते हैं, ये तो हो गया सस्ता प्रमोशन ओपी है ना, अब चलते हैं आगे जो काम बाकी है उसको कंप्लीट करने चलते हैं। तो गाइस अब हमें चलने एक्सलॉर्ड्स के उधर एंड देन सोचना है कि इनको किधर रखना है। हमारे पास अभी एक्सलॉर्ड्स नहीं है इन्वेंटरी में, मैंने को अलग से सेव करके रखा, तो मैं सोच रही है इधर एंड पे ही कर देती हूँ, इधर से तोड़ के ये जगह बेस्ट रहेगी। एंड यहाँ पे मैं वॉल अप कर देती हूँ कुछ इस जगह पे, ये जगह बेस्ट है। फटाफट से अब आ चुकी है हमारे पास एक्सलॉट्स एंड देन इनको यहाँ पे पुट करूँगी। एक यहाँ गई एंड एक और है मेरे पे, ये रही, इसको अपने इधर ले लेती हूँ हैंड पे एंड फटाफट से इसको भी यहाँ पे रख दिया मैंने। देखो यहाँ पे लाइट अप भी होगी और देखो एक मछली इसने मार भी दिया, शर्म करो एक्सलॉट्स। हम क्यों बोले भाई, ये तो नेचर एनिमी होगी एक्सलॉट की, मैं क्यों पढ़ती इस पर। अब मैं ना ये काम करती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ एंड देन हमारा ये 99.9% कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1% तो ये वॉल अप होने बाकी है, वो मैं अभी कर दूँगी। एंड फाइनली गाइस ये कंप्लीट हो गया, अब मैं वॉल अप करके मिलती हूँ। तो गाइस रिमाइंडर अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि इतना यूनिक प्रोजेक्ट है और आप सब लाइक नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हो। मैं चाहती हूँ मेरे इस वीडियो पे 1.78K हो जानी चाहिए एंड 10 लाइक्स, मेरे को पता है अगर जो मेरे सपोर्टर्स है वो मेरे करवा के रहेंगे। चलो गाइस प्लीज़ करवा दो एंड चलते काम पे। तो गाइस ये पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने ये वॉल पूरे बना दिया, ये देखो गाइस इट्स लुक्स अमेजिंग, इतना प्यारा लग रहा है, ऊपर से वाटरफॉल आते हुए नीचे जा रहा है एक्वेरियम पे। एंड इधर से देखो गाइस, ये ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला, जब मैं शेडर्स लगाऊंगी ना तो इतना कूल, इतना प्यारा, इतना ऐसा अमेजिंग लुक आएगा, अभी दिखाती एक सेकेंड। तो गाइस मैं शेडर्स पे आ गई हूँ, माय गॉड माय गॉड ये क्या देख रही हूँ, मेरे आँखों पर यकीन नहीं आ रहा, मैंने इतना अच्छा बनाया है एंड देख रहे गाइस इतना प्यारा लुक, किसी ने नहीं आया होगा, किसी के में भी नहीं आया होगा भाई, बता रही हूँ। देख रहे गाइस मैंने इतना अच्छा सा आइडिया निकाला है, ये आप पे आया नहीं आया ना, आपने कभी सोचा कि मैं कभी ऐसे रिवर को मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, इसका कुछ ऐसे यूजेस हो सकता है, किसी ने नहीं सोचा है। देख रहे हो गाइस दिमाग है ना मेरे पे, इसी बात पे लाइक करो। एंड गाइस फाइनली हमारा पूरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है एक्वेरियम का एंड बहुत भी कुछ करना बाकी है। तो गाइस हियर वी डन, हमारा एक्वेरियम कंप्लीट, एक्सलॉट्स के लिए अपनी जगह, फिशेस के लिए अपनी जगह एंड देखना है कि आगे होता है क्या, डॉल्फिन्स का यहाँ पे आना नामुमकिन है, बहुत टफ सिचुएशन पे आ सकती हैं। एंड गाइस हमारा फाइनली वीडियो एंड होने वाला है एंड आउट्रो भी हो चुका है। तो गाइस फाइनली वी हैव डन, वी हैव ऑलवेज लाइक क्या बोलूँ, इतना अच्छा बनाया था
एंड गाइस बंद करने का वक्त आ गया है। चलो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये नया लुक अच्छा लग रहा है क्वीन का। अगर आपको कहीं आइडिया नहीं आएगा तो मैं इसे ले ली।